दिल्ली के खारी बावली बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज हम ड्राई फ्रूट मार्केट के अंदर हैं और जानने की कोशिश करेंगे जो पिस्ता है विदेशों से कहां से आता है, कितनी किस्म होती हैं और किस सीज़न में इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। भैया मेरा नाम पंकज है और हमारी दुकान का नाम है JMD ड्राई फ्रूट्स, खारी बावली दिल्ली में 539/6 कटराईश्वर भवन में दुकान है ये। अभी जैसे पिस्ते के बारे में बात करेंगे हम आपसे, सबसे पहले तो कितनी किस्म का होता है ये और इसका बाज़ार कैसा रहता है, इसके बारे में बताइए कहाँ से आता है पिस्ता। होता है भैया 3-4 तरह की क्वालिटी होती है इसमें, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ईरानी होता है, अकबरी होता है और ये अमेरिका से इंपोर्ट होता है, ईरान से भी आता है, अफगानिस्तान से भी आता है, कई तरह की क्वालिटी होती है, सब जगह से अलग तरह का माल आता है जी। तो किस सीज़न में ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी? इसकी डिमांड रहती है भैया अभी 15 अगस्त से लगा के आप लगा लो 31 मार्च तक ज़्यादा बिकता है ये माल, सर्दी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिकता है। इसका भाव वगैरह की बात करते हैं तो भाव इसका सर्दियों में कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी है, मार्केट का कोई पता नहीं रहता ना, जैसे पीछे से माल तेज़ हुआ तो यहाँ मार्केट में तेज़ रहेगा माल, जैसे अमेरिका से माल तेज़ी में आया तो यहाँ पे तेज़ बेचना पड़ेगा, सस्ता हो तो सस्ता बेचना पड़ेगा, भाव का कुछ आइडिया नहीं होता जी। देखो बाकी रेगुलर इसका भाव होता है 800 से 900 के बीच में, गर्मियों में बिकता है लेकिन गर्मियों में इसकी सेल कम होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सेल होती है इसकी। साबुत पिस्ता कच्चा आता है, इसको हम रोस्ट करते हैं, रोस्ट करके बेचा जाता है मार्केट में, और कच्चा वाला जो होता है इसका छिलका हटा देते हैं वो कच्चा बन जाता है, जो जिसको पिसोरी हराती बोलते हैं वो हरा पिस्ता होता है वो वाला। ये मालिक 10-10 किलो के ऐसे बैग आते हैं जो बैग ये होते हैं जो ये इसका अगर मुंह बांध के रखोगे तो 1 महीने तक ख़राब नहीं होता ये, इसमें ख़राब होने का कुछ नहीं है, ना कीड़े लगते हैं ना कुछ भी होता है, बाकी इसका जो मुंह बांध के रखोगे तो इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, अगर इसका मुंह खोल दिया जितना यूज करो उतना निकाल लो उसके बाद इसका दोबारा मुंह डाल दो, मुंह बांध दो, कुछ ख़राब नहीं होगा वो। मतलब ये है कि इसको नमी से बचा के रखना होता है, नमी से बचाने का एक ही तरीका है इसका कि इसका आप मुंह बांध के रखो, बस पन्नी का जो भी पन्नी में है, जार में है, जहाँ भी है उसका मुंह बांध के रखना पड़ेगा हमें। लगभग इसके एक्सपायरी 3 महीने की तो होती है और 3 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है ये, तो 3 महीने तक तो बहुत लंबा हो गया, बाकी 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी माल, नमी होता है बस, नमी की ख़राबी होती है और कुछ ख़राब नहीं होता उसमें, मेन काम नमी का होता है जी। नमी होगी तो करारा कम हो जाएगा, नमी होगी तो मॉइस्चर हो जाएगा तो ये क्रिस्पी नहीं होगा, अपने इंडिया में कहीं नहीं होता जी, ये बाहर से आता है सारा। तो जैसे बताया यहाँ पर पंकज ने, ये जो थोक विक्रेता है यहाँ पर, थोक की इनकी दुकान है, पिस्ते का एक बड़ा कारोबार है इनका, इन्होंने बताया कि पिस्ते को सिर्फ नमी से जो है बचा के रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि नमी इसका कारण होती है कि नमी अगर इसमें आएगी तो ये पिस्ता ख़राब होने की जो है इसमें आशंकाएँ जो है ज़्यादा रहती हैं, तो आप इसको पिस्ते को अगर लंबे समय तक बचा के रखना चाहते हैं तो नमी से बचा करके इसको रखें। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। दिल्ली से मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।